अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फी, जिसके लिए मैंने 2 अदद कद्दू लिए हैं और इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं और इस तरह इनको काट लिया है। इस तरह काट के तो ये इनके बीज निकाल देने हैं। इसको भी मैं इस तरह काट लूँगी। ये बीज इनके निकाल दिए हैं इस तरह। साथ ही इसमें 10 अदद मैंने इलायची ली थी, सब्ज़ इलायची, उसके बीज निकाल लिए थे, उनको इस तरह मोटा पीस लिया है। ये 1 प्याली मेरे पास खोपरा पाउडर है, 100 ग्राम खुश्क मिल्क है, 100 ग्राम चीनी का पाउडर है, 150 ग्राम दूध है, 1 चम्मच फूड कलर है, ग्रीन कलर का। अब इसकी तैयारी के लिए ये जो मैंने कद्दू लिया है इसको कद्दूकश कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी बर्फी किस तरह तैयार करनी है। इसको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। जी देखें, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और कद्दूकश करने के लिए जो कद्दूकश होता है उसकी 4-5 साइडें होती हैं, और जो ब्रीक वाली साइड है उससे करना है, ताकि ये मोटा मोटा बर्फी में अच्छा नहीं लगता, ब्रीक साइड से करना है। ये देखें, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ये साइड है, ये बहुत ही मोटी साइड है, वाली साइड से किया है, ये बहुत ही बारीक साइड है। ठीक है, इसी तरह आप भी करें, ब्रीक साइड से करें। अब इसका जो पहला काम है वो मैंने क्या करना है कि पैन में मैंने पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अब उसको जो ये कद्दूकश मैंने किया हुआ है कद्दू को, उसमें डालती हूँ और फ्राई करती हूँ हल्का सा। 2 चम्मच मैंने पैन में घी डाला था, घी गर्म हो चुका है, ये नॉन स्टिक है, इसमें कम घी लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें हम दूध डालेंगे। 5 मिनट तक मैं इसको इसी तरह करती हूँ, फ्राई हो जाए 5 मिनट लगेंगे इसको इस तरह फ्राई करने में। हम हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। हर काम शुरू करने से पहले, हर नेक काम, हर अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ने से जहन्नम के 19 दरोगों से अल्लाह वहदहू ला शरीक निजात अता करते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह हर अच्छे और नेक काम करने में ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं बार बार पढ़ें। ये नहीं कि हम रेसिपी में बस बिस्मिल्लाह पढ़ दें तो वो बस काफ़ी हो जाता है। वैसे भी अपनी आम रूटीन में, हर रूटीन में शामिल कर लें कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं भी पढ़ा करूं। तमाम मुसलमानों का ये हक है कि वो हर अच्छा और नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। जी देखिए, पानी इसका ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से खुशक हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसमें डालना है मैंने ये दूध था मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह ये दूध डाल दिया, और इसको मैंने कर देना है कवर। तकरीबन 7 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि इसके ये जो लौकी है, कद्दू है, इसका अच्छी तरह मेल्ट हो जाए अंदर और दूध खुशक हो जाए। फिर मैं दोबारा दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है। मैं इसको 7 मिनट के लिए कवर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर, चीनी का पाउडर डाल दिया, साथ ही मैं इसमें सब्ज़ इलायची, साथ ही इसमें नारियल का पाउडर, और अब इसको पका लेना है।
सबज इलायची का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, बड़ा अच्छा जायका आता है उसका। इस तरह की चीज़ों में तो वो ज़रूर डालनी चाहिए। अब ये जो चीनी मैंने डाल दी है, चीनी अपना पानी छोड़ती है, जब मेल्ट होती है ना चीनी तो पानी सा बन जाता है। ये देखें दोबारा से पानी बन गया। अभी ये पानी को ज़रा मैं खुश्क करूँगी, फिर इसमें मैं खुश्क दूध डालूँगी। दो मिनट के लिए इसको मैं पका लूँ। और ये देखें साथ ही मैं आपको दिखाऊँ, ये जो कद्दू मैंने डाला था ना, देखें बहुत अच्छे से बारीक हो चुका है। और ये जो काले काले दाने नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पता नहीं क्या है, ये सबज इलायची है। सबज इलायची के दाने मैंने ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं था बनाया। मैंने बताया था कि 150 ग्राम मैंने दूध लिया, लेकिन मैंने इसमें 200 ग्राम दूध डाला है, ठीक है। दरमियाने साइज के दो मेरे पास कद्दू थे जिनको मैंने कद्दूकश किया था, और 200 ग्राम मैंने इसमें दूध डाला था, 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम खुशक में, जो कि मैंने भी डाल दिया। चीनी डाल दी है, बस इसका पानी खुशक हो रहा है, थोड़ा और खुशक हो जाए फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। पानी तकरीबन खुशक हो चुका है, जो चीनी का भी था। अब इसमें मैं खुशक दूध डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ ही इसके मैं ये बादाम काट लिए थे मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं किए थे, गार्निश के लिए भी मैंने भुजा लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। जी देखें कलर तो इसका अपना भी बड़ा प्यारा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, हल्का सा इसमें डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना काफ़ी होगा। और अगर मुझे लगेगा कि काम मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी, कलर तो ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। चलो बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ये देखें चाहे ये 6 सितंबर को बनाएँ, 14 अगस्त को बनाएँ, बरसात के मौसम में बनाएँ, अच्छी लगती है। और वैसे भी जो चीज़ हम घर में बनाते हैं, दिल खोल के उसमें चीज़ें डाल लेते हैं, जिस तरह मैंने ये बादाम डाले हैं, ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी बर्फी तैयार हो चुकी है। ये देखें पैन को छोड़ रही है, जब मुकम्मल तौर पे छोड़ देगी, अलग हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि तैयार हो चुकी है। फिर मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी, बस 2 मिनट के लिए मैं इसको और कर लूँ। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, कहने की बात नहीं है, ये करके देखें, ठीक है। मैं अब इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल अलहदा हो चुकी है, पैन ने इसको अलग कर दिया है, ये देखें, ठीक है। बस अब इसको मैंने फ्लेम को बंद कर देती हूँ, इसको निकाल लेना, ठीक है, बिल्कुल खुशक हो चुकी है। ये मैंने बर्तन ले लिया, इसमें मैंने नीचे हल्का सा, ये आपको दिख रहा होगा, घी को ग्रीस कर लिया है, ये देखें। अब इसको इसमें डाल देना, और इस तरह इसको फैला देना है। इसकी वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और वाकई में लगेगा कि बाज़ार से भी कोई अच्छी चीज़ हमने बना के खाई है और मेहमानों को भी खिलाई है। बस इस तरह इसको प्रेस कर लेना, और मैं आधे घंटे के लिए इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरह जम जाएगी ना, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसकी अभी कटिंग नहीं होने वाली,
इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया। इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट यानी कि ये बादाम कटे हुए डाल देंगे, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। इस पर चांदी का कवर भी लगता है, वो भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरह प्रेस कर दूँ और आधे घंटे के बाद मैं दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके, ठीक है जी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो चुकी है, इस तरह इसको उठा लेना, ठीक है। इसको टाइम ज़्यादा लगेगा जमने में, जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी कद्दू की जो मैंने बर्फी बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आया है, आप भी बनाएं, ट्राई करें। देखें इस तरह दिख रही है, इस तरह टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।